अकाली दल कहिंदा कि पूरे पंजाब नूं APMC दीआं मंडियां बना दिओ, बना दिओ भाई। पर सवाल तो यह है कि सरकारी खरीद होवेगी या नहीं। केंद्र सरकार ने वादा तो किया सी कुछ सालों विच किसानां दी इनकम नूं असीं दुगुणा कर देंगे, पर अज ओ किसान दी पक्की इनकम पक्की आमदन नूं भी खत्म कर रही है। पिछले साल मध्य प्रदेश ने केंद्र नूं पंजाब तो ज़्यादा कणक मुहैया कराई है। इसका मतलब आपां तां वरत के सुटे गए, ते जे ये काले कानून लागू हो गए ते अपने कोल घट तो घट एक साल है, ते वध तो वध दो या तीन साल। जिवें अंबानी अडानी ने ना इदां ही एक दो कंपनियां अपनी मोनोपोली बना के ना कल्ले राज करते हैं। इस तरह चलाउणगे जिवें भारत दे विच गोरियां ने ईस्ट इंडिया कंपनी चलाई सी ना, अंबानी अडानी बंबई च बैठ के कठपुतलियां वांग नचाउणगे। बेबाकी ते निरतर्थ होके अपनी गल रखण वाले साबका कैबिनेट मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू एक बार फिर करचिया ते अपने फेसबुक पेज ते वीडियो शेयर करके सिद्धू ने खेती कानूनां बारे कई खुलासे कीते ने। सिद्धू ने बोलते हुए कहा कि केंद्र दे खेती कानून पंजाब नूं बर्बाद कर देंगे, इस लई सूबे नूं बचाउण दे लई साडे कोल कुछ ही साल ने। कारपोरेट घराणियां बारे वी सिद्धू ने वड्डे खुलासे कीते ने। कौम दे योधे सूबेदारो अहलमरदारो, अज जदों मैं विधानसभा सैशन विच शामिल हो रहा तो अपनी गल किसानी दे संजीदा मसले दे उत्ते पूरा हल लोक अदालत दे विच रखना चाहुंदा। काले कानूनां दी इस काली रात विच सितारे वांग चमक रहा पंजाब विधानसभा दा ये सैशन। सेंटर दे काले कानूनां दे मूंह दे उत्ते चपेड़ है और जी गूंज पूरे हिंदुस्तान नूं सुनेगी। ये किसान दे पवित्र संघर्ष की जित है, कांग्रेस प्रेसिडेंट दी किसान पक्षी सोच दी जित है, पर पंजाब दी किसानी दी पग नूं बचाउण दी लड़ाई दा इह वड्डा शंखनाद है। मैं पंजाब नूं इस शुरुआती कदम वास्ते वधाई दिंदा, पर इह महज शुरुआती कदम है ते जे आपां होर कदम ना चुके ते इह सिर्फ इक दिखावा बन के रह जाऊ। अकाली दल कहिंदा कि पूरे पंजाब नूं APMC दीआं मंडियां बना दिओ, बना दिओ भाई। पर सवाल तो यह है कि सरकारी खरीद होवेगी या नहीं। अज आपां आर्टिकल 254(2) वरत के अपनी जिम्मेवारी तो निभा सकते हैं, पर केंद्र सरकार नूं मजबूर नहीं कर सकते सरकारी खरीद करन नूं। अज तक तो पंजाब की जीरी कणक केंद्र सरकार खरीदी सी, FCI चुकदी सी। इसलिए मैं कहना कि आपां हुण सच्चे हल वल वधीए। जद आपां नूं पता है कि साल डेढ़ साल विच केंद्र दी सरकार दा खरीद खत्म होण दा खतरा अपने सिर ते, जद पता है कि अंबानी अडानी कॉन्ट्रैक्ट लैके आउणगे ते उहदे वास्ते आपां तैयार रहीए। गल पक्की MSP दी है, गल पक्की सरकारी खरीद दी है, ते गल दशकां तों पंजाब दी डुब रही किसानी नूं बचाउण दी ही नहीं बल्कि उन्हूं प्रगति की सुनहरी राह दे उत्ते पाउण दी है कि अपनी बाहर जा रही पीढ़ी वापस आवे, किसानी अपनावे, ते वो आपां कर सकते हैं। मैं दसदा किवें। दशकां तों किसान की घट रही आमदन ते अज उस नूं पूरी तरह खो देण दा डर किसान नूं इस संघर्ष पथ ते लै आया, सड़कां ते लै आया। वध रही लागत भावें पेट्रोल डीजल की, वध रहे दाम होण जां फर्टिलाइजर की वध रही कीमत, पंजाब की घट रही उपज घट रही MSP, स्वामीनाथन ने जो किसान की लागत के हिसाब के नाल 1.5 MSP लाने का प्रस्ताव रखा सी उहदे उत्ते तो केंद्र सरकार तुरदी नहीं, पर जो किसान की मौजूदा आमदन है उन्हूं भी खत्म करके पूंजीपतियां के हाथ विच देण ते इस तुगलकी फरमान नूं जारी किया। पंजाब विच किसानी एक रोज़गार ही नहीं, इट इज़ अ वे ऑफ लाइफ, जीण दा तरीका है। पंजाबीयत दी पछाण किसानी है, बाबे नानक दी दित्ती पछाण किसानी है, ऋग्वेद दे टाइम तो पंजाब विच किसानी है। ते अज इस दा मॉडल ये MSP ते APMC दीआं मंडियां ने। किसान नूं पक्की आमदन देण वास्ते बणियां सी ये मंडियां,
एफसीआई राही पक्की सरकारी खरीद करके देश के 80 करोड़ गरीबों का ढिड भरन वास्ते इन्हां मंडियां नूं वरतदे सी। ये मंडियां तो इकट्ठा किया सालाना हजारां करोड़ का टैक्स पिंड दीआं सड़कां ते होर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाउण दे काम आउंदा सी। ये सारा सिस्टम किसान के फायदे वास्ते बनाया गया सी ते हुण मंडियां वधाउण दी बजाय सरकार इस सिस्टम नूं खत्म करन दे उत्ते लगी है, जड़ों पुट्टण दे उत्ते लगी है। केंद्र सरकार ने वादा तां कीता सी कुछ सालां विच किसानां दी इनकम नूं असीं दुगुणा कर देंगे, पर अज उह किसान दी पक्की इनकम पक्की आमदन नूं भी खत्म कर रही है। ये मुश्किल कल्ले किसान दी नहीं वीरो, बल्कि हर पंजाबी हर भारती दे वास्ते है। होर्डिंग जिहड़ा गोदामां दे विच स्टोर करके रखना वह लेजिटमाइज हो जाऊ, उन्हों कानूनी सुरक्षा कवच पा देंगे। 50 तो 100 गुणा प्राइस इनक्रीज होगी, फूड इनफ्लेशन आऊ और पूंजीपतियों नूं फायदा देने दे लई हुण गरीब की रोटी असेंशियल कमोडिटीज़ दे विच नहीं। हैरानगी की गल है, रोटी कपड़ा मकान कहने हुंदे सी आपां, हुण रोटी रोटी बिना तो राम का नाम भी नहीं लिया जाता। हुण रोटी जिहड़ियां मुढ़लियां सुविधावां ने उहदे विच नहीं रही। तो इस वध रही कीमत का किसान नूं कोई मुनाफा नहीं होना, सिर्फ पूंजीपतियों की जेब भरूगी। भुखमरी अन्न ना होने करके नहीं आती, अन्न तो होगा पूंजीपतियों के गोदामों के होगा। अज भी दुनिया के बहुत देशों के भुखमरी है, तो इसका मतलब यह नहीं कि दुनिया से अन्न की कमी है, इसका मतलब यह है कि अन्न की कीमत लोगों की खरीदने की ताकत तो ज्यादा है। वधदी महंगाई का असर अमीर ते नहीं गरीब ते हुंदा है, क्योंकि गरीब के पैसों की कीमत घटती है, 500 रुपया का मुल 200 वर्गा रह जाता। हुण ये केंद्र के बनाए कानून साढ़े संघी ढांचे ते साढ़े संविधान ते हमला है। स्टेट नूं म्युनिसिपैलिटी बना के उन्हां दीआं ताकतां नूं एक एक करके खत्म किया जा रहा। हर स्टेट अलग अलग मसले ने, उन्होंने अलग अलग साधन ने, ते लोकां दीआं तमन्नावां नूं पूरा करन वास्ते उन्हां राज्यां दीआं सरकारां लोकां ने चुनिया। इसलिए भारत के फैडरल स्ट्रक्चर वाले संविधान ने राज्यां नूं कुछ मुद्दियां उत्ते पूरी ताकत दित्ती है, जिन्हां विचों एक है एग्रीकल्चर खेती। साडी लड़ाई आर्टिकल 249 के खिलाफ है, जिसनों वरत के केंद्र सरकार किसी भी स्टेट सबजैक्ट के उत्ते कानून बना सकती है। यह जी डिक्टेटोरियल ताकत दुनिया के संघी ढांचे वाले किसी देश दे विच नहीं। एग्रीकल्चर के मसले ते अज अपनी लड़ाई डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर दी, सेंटर दी एक तरफा ताकत के खिलाफ यह लड़ाई है। साड़ी लड़ाई भारत के संघी ढांचे नूं होर मजबूत करन दी है यारो, ते स्टेट की आवाज नूं होर बुलंद करन दी है। हर स्टेट की किसान की लागत अलग अलग होने कारण MSP भी हर स्टेट अनुसार स्वामीनाथन के C2 फॉर्मूले नूं वरत के अलग अलग होनी चाहिए। पर मैनू पूरा यकीन है कि जे अज केंद्र ने स्टेट की ताकत हथिया ली है, तो स्टेट सरकार किसान जथेबंदियां ते पंजाब दे हर किसान नाल खड़ के अपनी ताकत वापस ले सकती। मैं राजनीति हमेशा तो समाधान कढ़न वास्ते कीती है, पर इस सारे मसले का पूरा हल देण तो पहला मैं तुहाडी नज़र पंजाब दी समुची खेती संकट दे वल करदा। हिंदुस्तान दा ढिड भरन वाला पंजाब दा किसान, पंजाब नूं ग्रैनरी ऑफ इंडिया कहाउण वाला पंजाब दा किसान की अज कह सकदा कि अज पंजाब हिंदुस्तान दा फूड बॉल है? प्रश्न चिन्ह ने की गरीब दी मजबूरी वाले PDS तो मिले अनाज दे अलावा हिंदुस्तान दे फूड बॉल विच कोई भी सब्जी, दाल, तेल, फ्रूट जा कोई भी होर फसल पंजाब तो आउंदी है? पंजाब तां खुद बाहरों मंगाउंदा,
फिर अज दे दिन पंजाब इंडिया का फूटबॉल किवें होया। पंजाब दी जीरी कणक दी फसल सालों तो FCI चुकती सी, देश दे विच PDS राही सस्ता अन्न पहुँचाउण वास्ते। पर पिछले साल मध्य प्रदेश ने केंद्र नूं पंजाब तो ज़्यादा कणक मुहैया कराई है। इसका मतलब आपां तां वरत के सुटे गए। अज करोना करके देश भर दे विच अनाज वंडिया जा रहा, सरकार दे गोदाम हुण खाली ने। इस साल वह जीरी चुकणगे ते अगले साल कणक। फिर भाई उस तों बाद अज FCI वालों MSP ते सरकारी खरीद मिल रही है, कल है परसों का की भरोसा। तो जे ये काले कानून लागू हो गए तो अपने कोल घट तो घट एक साल है, तो वध तो वध दो या तीन साल। अज भी 23 फसलों उत्ते MSP है, तो मिलती सिर्फ जीरी कणक ते क्योंकि उसकी सरकारी खरीद है। मक्की की MSP 1850 रुपये, पर इस साल चुकी किने ते है 600 ते या 800 ते, क्योंकि उसकी सरकारी खरीद ही है नहीं। अज कणक जीरी नू छड के पंजाब कोल किसे होर फसल नू चुकण दा प्रोक्योरमेंट मॉडल ही है ना। पंजाब सरकार को स्टोरेज है ना ही मार्केट विच डायरेक्ट अन्न सप्लाई करन दे साधन। मैं हुण पिछले दिनी अपने पिंड मानाले गया, उत्थे मेरे कोल बहुत किसानां ने फरियाद की। वो कहिंदे भाजी शूगर मिल साढ़े गन्ने का ना तो पूरा रेट दिंदी है ते ना ही टाइम दे उत्ते पैसे दिंदी। बिना मंडिया ते बिना MSP सारिया फसलों का यारो यही हाल हो जाना। अज दुनिया के बहुत देशों के विच एक दो कंपनियां जिवें अंबानी अडानी ने ना, इदां ही एक दो कंपनियां अपनी मोनोपोली बना के ना कल्ले राज करते हैं। इस तरह चलाउणगे जिवें भारत दे विच गोरियां ने ईस्ट इंडिया कंपनी चलाई सी ना, अंबानी अडानी बंबई च बैठ के कठपुतलियां वांग नचाउणगे, रिमोट कंट्रोल नाल चलाउणगे। यार पंजाब नूं पंज दरियावां दी धरती कहा जांदा है, पर पंजाब दी 70% तों ज़्यादा खेती ट्यूबवैलां नाल चलदी है। एक किलो झोना उगाउण वास्ते पंजाब विच 5377 लीटर पानी वरत्या जांदा है। अज पंजाब जो चौल खांदा ही नहीं 1400 करोड़ क्यूबिक मीटर पानी धरती विच्चों एक्सट्रा कढ रहा है। सस्टेनेबल लिमिट तो एक्सट्रा, भरपाई होण दी लिमिट तो एक्सट्रा, ते एक क्यूबिक मीटर दे विच 1000 लीटर पानी आउंदा है। 5-10 सालां दे विच धरती बंजर कर देंगे। ये आपां केंद्र सरकार की नीति अनुसार कर रहे हैं। जीरी लाउण ते होर भी तरीके ने, पर आपां उस वल नहीं जांदे। अज घट रहे जमीन हेठले पानी कारण छोटा किसान करस लै लै के ट्यूबवैल पाउंदा है। अज पंजाब देश नू जीरी नहीं बल्कि पानी एक्सपोर्ट कर रहा है, वो भी करजा ते करजा ते करजा लै लै के। जे इस पानी का हिसाब लाइए तो यह SYL नहर तो पंजाब के होने वाले नुकसान तो कई गुणा ज़्यादा है। गुरु नानक की राह याद करो, पवन गुरु पानी पिता माता धरत महत, उस राह तो भटक गए हैं ते सानू सरकारी नीतियां राही भटकाया गया। अज पंजाब का 86% किसान करजाई है। इसलिए मैं कहना कि अज का किसान का संघर्ष कल्ला मौजूदा MSP ते मंडियां बचाउण वास्ते ही नहीं, जे हुंदा ते फिर पिछले 25 सालां विच पंजाब दे हजारां किसानां ने खुदकुशी क्यों कर ली। पंजाब का किसान दशकां तो धरने ते बैठ रहा है, यह संघर्ष कोई नवा नहीं। हाँ अज ज़्यादा जोरदार जरूर है, पर जे अज केंद्र सरकार MSP लिखत विच देवे ते 2 साल होर सरकारी खरीद कर लवे, फिर की पंजाब की किसानी की सारी मुश्किल हल हो जाए। मैं तुहाडे सामने ये सच इसलिए रखिया कि आपां सिर्फ दिखावे ना करिए, किसान दियां असली मुश्किलां दा हल करिए। केंद्र ने अज जो नवा पैंतला चलिया इस नाल पंजाब दे बचे खुचे किसान भी खत्म हो जाणगे। समझना यह जरूरी है
कि पंजाब दे एग्रीकल्चर सिस्टम नू पहला हौली हौली करके मारिया गया ते हुण उहनू खत्म करन ते आ गए। पंजाब नू पहला केंद्र ने वरत्या ते हुण पूंजीपति वरतणगे। पंजाब दा किसान कर रहा है करजाई खेती ते अंबानी अडानी करनगे कमाऊ खेती। फर्क देख प्राइवेट ट्रेडिंग तो पहला भी सी मित्रों ई नैम सी प्राइवेट व्यापारी मंडी तो बाहर खरीद करते पर इस कानून की फिर की लोड़ पैगी। एक कानून किसान की लीगल प्रोटेक्शन वो जे कानूनी अधिकार उन्होंने खोहण के वास्ते लिया गया और पूरा समुचा जड़ा कंट्रोल है वह पूंजीपतियों के हवाले कर लिया आया। सिविल कोर्टा च नहीं जा सकते, एस डी एम कोल जाओगे डीसी कोल जाओगे वो निर्देश से चलन गए सेंटर सरकार। चुने नुमाइंदे नकारा दर्शनी घोड़े पूंजीपतियां दे पावे दे नाल बन देंगे सेंटर सरकार वाले साड़ी आजादी साड़ी खुदमुख्तियारी साढ़े तो लै लैणगे। ये लड़ाई साड़ी आजादी की है इस करके वजह इनकलाब का बिगल। जिन्हां स्टेटां विच मंडियां नहीं हन उत्थे एम एस पी नहीं मिलती, ये ते सरकार दीयां रेगुलेटेड मंडियां दे विच ही मुमकिन है। ते जिस तरह केंद्र की सरकार चल रही है जे कल नूं पीडीएस बंद हो गया ते डायरेक्ट कैश ट्रांसफर ले आए थोड़े बैंकां च सीधे पैसे पाउण लग गए फिर ते एफ सी आई ने भी नहीं चुकनी पंजाब की फसल। अनाज की जगह गरीब नूं डायरेक्ट बैंक दे विच कैश देण दे लई केंद्र की सरकार जमीन तैयार कर रही है। ये कल्ली इत्थे ही नहीं, ये थोड़ी इलैक्ट्रिसिटी सबसिडी भी बंद करनगे। जिहड़ी सरकार दे कोल देण नूं पैसे ही नहीं, जी एस टी भी आपदे कोल रख लिया केंद्र ने, वह थोनू डायरैक्ट बैंक दे विच किवें पैसे पा के दूगी थोड़ी बिजली की सबसिडी। ये विचार करने वाली गल है। तो फिर भाई पंजाब की करूँ अपनी सारी फसल पूंजीपतियों नूं बेचू तो किस रेट ते? इसलिए मैं कह रहा कि हल की राह के उत्ते हुण तुरना बहुत जरूरी है। भावें पूरा पंजाब मंडी बना लो, जे सरकारी खरीद ना हो तो फिर एम एस पी कितों मिलू? अज एम एस पी तो वड्डा सवाल है सरकारी खरीद का। पंजाब तो सस्ती कणक होर राज्यां विच मिलती है, फिर पूंजीपति इत्थों क्यों खरीदेंगे? भाई केंद्र ने तो अपना काम करता, हुण आपां की करदे हां? सवाल यह है फिर अगले साल सरकार इलैक्शन तो पहला पिट्ठ नहीं दिखा सकती, छे महीने पहला इलैक्शन तो रिजाइन करना कुछ नहीं होना मित्रों। सेवा देश की जिंदड़ी है बड़ी औखी, गल्लां करनियां ढेर सखलियां ने, जिन्हां देश सेवा विच पैर पाया उन्हां लख मुसीबतां झलियां ने। पंजाब दा किसान पंजाब दे लोग साडे वल वेख रहे हैं, कड़कती बिजली देख के बुद्धिमान आदमी जामा पा लैंदा है। तो इसलिए मैं कह रहा कि सरकारां किसान नूं भटकाउण ना, मुद्दे ते आउण, हल देण। इन्हां कारणां करके ही अज पंजाब विच किसानां दा इह सच्चा संघर्ष चल रहा है। लोकतंत्र सिर्फ सरकार चुनना ही नहीं है, सरकार तक अपनी हर मंग हर आवाज़ पहुँचाना भी है। किसान जो अज व्योंदबंदी नाल इह संघर्ष कर रहा है, इह साडी डेमोक्रेसी नूं होर मजबूत कर रहा, तड़ा कर रहा। किसान मुश्किल की भी समझ रखता है ते अपने हक्कां वास्ते लड़न दे ढंग भी उन्हूं पता नहीं। मैं किसानां दे संघर्ष दे मैने ते मुल समझदा। किसान जत्थेबंदियां ने ते अपना प्लैन मूहरे रखिया, लोड़ है कि सरकारां अपनी जिम्मेवारी निभाउण। इह झंडियां ते डंडियां दा संघर्ष, नॉन वायलेंट संघर्ष, पंजाब दी सच्ची आवाज़ है। ते इस नूं इह कह देना कि बाहरी ताकतां चला रही ने या इस नाल पंजाब दे हालात बिगड़ जाणगे, मैनू लगता है कि यह किसानां दे सच्चे संघर्ष का निरादर भी है ते अपमान भी। अज किसानां दे संघर्ष दे नाल पूरा पंजाब जुड़िया ही नहीं बल्कि यह संघर्ष पूरे पंजाब का संघर्ष है। यह साडी होंद का संघर्ष है। पिछड़े वर्ग मजदूर छोटे व्यापारी दुकानदार अज पंजाब की जवानी इस संघर्ष ने इकट्ठी करती। ये पंजाबीयत का संघर्ष है क्योंकि अज साडी एग्जिस्टेंस नूं खतरा है ते अज दा वरतांत इस संघर्ष के राही जमीन फाड़ के आ रहा है।
भारत को आजादी भी संघर्ष नाल मिली है। भारत का संविधान जद्दोजहद तो निकलिया है, संघर्ष चो निकलिया है। भारत का संविधान एक डायवर्स अड अड वक् वक् डायवर्स हुंदा वक् वक् डायवर्स देश का प्रतीक है। वक् वक् प्रांतावां भाषावां कल्चर विच यूनिटी है, एक है। यूनिटी इन डायवर्सिटी का प्रतीक है यह संघर्ष। भारत के संविधान का प्रियम्बल कहता है फ्रटर्निटी, भाईचारक सांझ नाल देश की यूनिटी। इसलिए जब आप हर स्टेट की हर इंसान के हक की लड़ाई लड़ते हाँ तो असी संविधान पक्षी लड़ाई लड़ रहे हैं। एकता तो जेल की भी होंगी है यार, पर भारत का संविधान सानू एक परिवारिक एकता भाईचारक एकता दे विच बनता है। तो जो वन नेशन वन मार्केट की गल कर रहे हैं उस स्टेट की आवाज न कुचल रहे हैं, उस संविधान विरोधी हैं, उस संविधान की आत्मा से आघात कर रहे हैं। दैट नलीफाइज द स्पिरिट ऑफ आर कॉन्स्टिट्यूशन। अज मैनुफैक्चरिंग ते सर्विस सैक्टर घाटे में है, 23% GDP घट गई है, सिर्फ किसानी बची है। तो अज केंद्र सरकार पूंजीपतियां वास्ते किसान की आमदन पर कब्जा करने का राह खोल रही है। हुण इह 3 कानून किसान पूंजीपतियां का गुलाम बनाउणगे। ये चाहते ने कि रेट वो सैट करन ते उही देन। ये चाहते ने कि अंबानी अडानी पंजाब दे निर्णय लैन। मैं चाहना कि छोटे किसान आपदे निर्णय आप लैन। हुण वड्डा सवाल यह है कि असी की करना है, वॉट शैल वी डू, वॉट शुड बी डन। मैं पहला ना कह रहा कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाओ, सांझा प्रोग्राम, बंद मुट्ठी लख दी ते खुली मुट्ठी कख दी। मेरी मंग पहला तो है कि स्टेट असैम्बली अपना सैशन बुलावे, अपना कानून बनावे एज एग्रीकल्चर इज इन दी स्टेट लिस्ट। एग्रीकल्चर स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है। हर संभव कानूनी कार्रवाई की जाए तो ये काले कानूनों लागू होने तो रोकया जाए। पर यह हल सरकारी पॉलिसी का हल नहीं, साड़ी भागीदारी का हल है, साड़ी एकजुटता का हल है। इसलिए ध्यान नाल सुनना, काले कानूनों का हल, घटती आमदन का हल, घटती MSP का हल, पंजाब दे घट रहे पानिया का हल, घट रही उपज का हल, पंजाब नूं जो अज बाहरों इंपोर्ट करके दालां ते सब्जियां का हल, किसानां दे हर मसले का हल। मैं इस मुश्किल का हल जानता हाँ ते थोनू समझा भी सकता, पर ये काफ़ी नहीं। एक गल्लां नाल नहीं लागू होना, गल्लां नाल कुछ नहीं होना। किसान नूं नाल लैके, जथेबंदियां नूं नाल लैके स्टेट सरकार हर मसले का हल कर सकती। गल कल्ली कर्जा माफ़ी की नहीं, पर किसान दे सिर ते कर्जा चढ़े ही क्यों। हुण पहला बलदा मुद्दा है कि पक्की MSP ते सरकारी खरीद का। जे केंद्र सरकार सरकारी खरीद तो मुकरदी है ते स्टेट सरकारी खरीद दवे, MSP नू एक्ट का हिस्सा बनावे। MSP शुड बी पार्ट ऑफ द एक्ट। मेरी मंग है पंजाब सरकार सब्जियां, दाल, ऑयल सीड ते फ्रूट उत्ते MSP दवे। दुनिया की सब तो एडवांस इकोनमी विच भी खेती नू सरकारी मदद की लोड़ हुंदी है, भावें अमरीका होवे, भावें लंडन होवे, भावें यूरोप होवे, कोई सूबा। स्टेट शुड लीड इनिशिएटिव्स टूवर्ड्स गिविंग MSP के जो असी खाने मित्रों वो उगाने ते डाइवर्सिफिकेशन करके MSP दे नाल नाल सरकारी खरीद दे नाल पंजाब दी किसानी दे होर सारे मसले भी हल हो जाते। पंजाब विच डाइवर्सिफिकेशन क्यों नहीं हुई, रिपोर्ट ते रिपोर्ट चढ़ी हुई है, एक्सपर्ट ते एक्सपर्ट गल करता है। इस करके कि सियाणा किसान सिर्फ दो ही फसलां चुकता है और जीरी झोने की MSP। सैकड़े करोड़ों दियां दालां हर साल आपां आटा दाल स्कीम वास्ते इंपोर्ट करते हैं, ते जे मिल्क फैड दुध दे उत्ते MSP दे सकता है
ਤੇ ਫਿਰ ਆਇਲ ਸੀਡ ਸਬਜ਼ੀ ਤੇ ਫਰੂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਐਮਐਸਪੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਭਾਈ ਸਵਾਲ ਤੇ ਆ ਤੇ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀਆ ਸੈਂਡ ਮਾਫੀਆ ਕੇਬਲ ਮਾਫੀਆ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਆ ਗਰਾ ਲੱਗ ਜੂ ਪੈਸਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਗੁੱਝੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰੀਏ ਕੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੋਰੀਏ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਪੰਜਾਬ ਏਕਤਾ ਸਿਰਫ ਨਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਸਫਲਤਾ ਤੇ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਰਾਹ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬਣਾਉਣ ਅੱਜ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਸੰਗਠਨ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਸਕੇ ਅੰਬਾਨੀ ਅਡਾਨੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਪਹਿਲ ਕਰਨ ਆਪ ਸੰਗਠਨ ਬਣਾਉਣ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਤਾਂ 2 ਏਕੜ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਅੱਡ ਰੇਟ ਦੇਣਗੇ 10 ਏਕੜ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਅੱਡ ਰੇਟ ਦੇਣਗੇ ਉਹ ਗੋਰਿਆਂ ਵਾਂਗ ਵੰਡ ਵੰਡ ਮਾਰਨਗੇ ਇਹ ਲੰਬੇ ਲੰਬੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੱਬਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੇਬਰ ਕਰਨ 'ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਇਹੀ ਹੋਣਾ ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦਾ ਇੱਕ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਇੱਕ ਵਿਕਲਪ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਲੀਗਲ ਐਂਟੀਟੀ ਬਣਾਉਣ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਕਾਈ ਭਾਵੇਂ ਉਹ 1 ਏਕੜ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ 10 ਏਕੜ ਵਾਲਾ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ MSP ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਡਿਮਾਂਡ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਮਾਡਲ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 3 ਕਰੋੜ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦ ਬੀਜੇ ਅਤੇ ਖੁਦ ਫਸਲ ਮਾਰਕੀਟ ਕਰੇ ਸਾਰਾ ਮੁਨਾਫਾ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਹੋਵੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰੇ ਬਜਾਏ ਇਹਦੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦੇ ਅੰਡਰ ਕੰਮ ਕਰੇ ਕਿਸੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪ ਬੀਜੇ ਅਤੇ ਆਪ ਹੀ ਵੇਚੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਬੀਜਣ ਅਤੇ ਵੇਚਣ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ ਫਸਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਫਸਲ ਉਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤੈਅ ਕਰੇ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਫਲਤਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 0.1% ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਹੈ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਦੇ ਕੋਲ ਸਟੋਰੇਜ ਕਪੈਸਿਟੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਲਈ ਪੈਸੇ ਨੇ ਮਾਰਕੀਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਫੈਕਟਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੁਕਾਨਾਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕੋਲ 1 ਦਿਨ ਵੀ ਫਸਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ਮਤਾ ਨਹੀਂ ਹਰ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਹੱਕ ਆਪਾਂ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਬਣਾ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਇਹ ਰਾਹ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵੀ ਬਚਾਊ ਡਾਇਵਰਸੀਫਾਈਡ ਔਰਗੈਨਿਕ ਖੇਤੀ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰਗੈਨਿਕ ਖੇਤੀ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਵਰਲਡ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ 16% ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਖੇਤੀ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਪਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਐਗਰੋ ਇਕੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਇਨਕਮ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹੱਥੀਂ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਬਜਾਏ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪੱਗ ਰੋਲਣ ਬਜਾਏ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਕਹਿਣ ਵਜੋਂ ਆਪਣ ਹੱਥੀ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕਾਜ ਸੰਭਾਲੀ ਹੈ ਅੱਜ ਸੱਚਾਈ ਆਇਨਾ ਬਣ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਇਸ ਲਈ ਇਕੱਲਾ ਦਿਖਾਵਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਲੜਾਈ ਜੇ ਆਪਾਂ ਜਿੱਤਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪਰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਆਸਾਨ ਨੇ ਸੱਚੇ ਹੱਲ ਦੇਣੇ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨੇ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣਾ ਹੈ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਆਰਟੀਕਲ 254(2) ਦੇ ਅਧੀਨ ਇਹ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਆਰਟੀਕਲ 249
कॉन्करेंट लिस्ट की एंट्री 33-34 के खिलाफ लड़ाई जो सरकारी कमिशन कहता है कि स्टेट के हकों लिए बहुत ही महत्वपूर्ण लड़ाई है। केंद्र सरकार ने जो ये पंजाब शैतान रूप अपनाया होया है इस नाल लड़ना बहुत ही जरूरी है। पर बाबा भुले शाह फरमाते ने लड़ना है रोज शैतान दे नाल, कदे नफ्स आफ दे नाल लड़िया ही नहीं। भुले शाह आसमानी उड़दियां फड़दा है, वो जिहड़ा घर बैठा है उहनू फड़िया ही नहीं। मैनू पूरा यकीन है कि पंजाब के लोग अपनी असली ताकत नूं पहचानणगे, इन्हां हल्लां नूं ताकत विच लैके आउणगे ते पंजाब विच लागू करवाउणगे। देख शिवा वर मोहे है शुभ कर्म ते कबहू न डरूं, न डरूं मरी सूं जब जाही लड़ूं, निश्चय कर अपनी जीत कर। बोले सोनिहाल, सब श्री अकाल। T5 चैनल पंजाबी, उन्हें सब्सक्राइब करो, बेल आइकन पे क्लिक करो।